हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट। एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट इज गॉस थ्योरम। तो हम यहाँ पे स्टेट ये क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके साथ ही हम प्रूफ करेंगे कि हाउ यू विल प्रूफ इट फॉर द स्फेरिकली सिमेट्रिक सर्फेसिस। ओके, तो इससे इसको करने से पहले बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है क्या होती है कि सपोज आपके पास ये कोई गिवन सर्फेस है, उसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ऐसे, ठीक है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें रख दिया है। तो बच्चों उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसकी डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, कितनी लाइंस जो हैं ये पास करती हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, जिसको हम फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ई डॉट डी एस, कि अगर आपका ये गिवन आर्बिट्री सरफेस है डी एस, तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी दैट विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, आप लोगों को पता है। ओके, उसके बाद ये मतलब प्रीवियस प्री नॉलेज है, अगर आपको ये चीज़ पता है उसके बाद ही आप ये आर्टिकल जो है कर पाओगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी मैंने बता दिया, अब हम बात करेंगे कि गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस थ्योरम में क्या है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी बच्चों थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस इन ए वैक्यूम, दैट इज 1/ε0 टाइम्स दी टोटल इन चार्ज इनक्लोज्ड बाय दी सरफेस, ठीक है। इसको हम बच्चों इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको हम कैसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्म का सिंबल है, ठीक है, आपको पता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होती है, लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल यहाँ पे लेंगे ई डॉट डी एस, दैट विल बी इक्वल टू क्लो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये किसके इक्वल आ गया, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय इट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपकी गॉस थ्योरम है, ओके, दिस इज दी गॉस थ्योरम। ओके, तो इसमें जो सरफेस हम चूज करेंगे, कैलकुलेट दी सरफेस इंटीग्रल, उसको हम बच्चों नाम देते हैं गॉसियन सरफेस का, ठीक है, क्या नाम देते हैं, गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं। ओके, तो अब आइए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे जो प्रूफ है इसका, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू है, मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, ये वाला, और जो कि सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, ये मान लो आपका कोई स्फीयर है, उसके सेंटर के जिसका रेडियस जो है यहाँ पे आर है, ठीक है, पड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, वो उसका फार्मूला क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ई इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, क्यू इन क्यू बाय आर स्क्वायर, साथ में आएगी यूनिट यूनिट वेक्टर, यानी कि उसकी डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, जो कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड आ जाएगी, और जो नॉर्मल सरफेस के यूनिट यूनिट इसकी डायरेक्शन देगा यूनिट वैक्टर, यहाँ पे एन कैप है। और बच्चों इसमें आपने आर्बिट्री ऐसे एक डी एस सरफेस जो है वो चूज़ कर लेना है, ओके, और जो आर जो यानी कि रेडियस है उसके उसका यूनिट वैक्टर आर यूनिट वेक्टर वो इसी डायरेक्शन में ई की डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पे एन और आर का जो डायरेक्शन है वो सेम है, पैरेलल टू ईच अदर है, जिसकी वजह से इन दोनों में एंगल जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपने जो मैंने आर लिखा है, आर बेसिकली क्या हो गया, आर यूनिट वैक्टर इज यूनिट, यहाँ क्या लिखोगे, यूनिट वैक्टर डायरेक्टेड, यूनिट वैक्टर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक एलिमेंट्री पोर्शन जो है वो कंसिडर कर लेना है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, तो जिसकी वजह से उस एलिमेंट्री पोर्शन का जो एरिया होगा, ठीक है, वो एरिया किसके इक्वल होगा, डी एस विल बी इक्वल टू डी एस इंटू एन कैप, एन कैप यहाँ पे क्या दे रहा है, डायरेक्शन इसकी, ठीक है, तो एन एन कैप क्या है, दिस इज द यूनिट वैक्टर, ठीक है, यूनिट वैक्टर अलॉन्ग the direction along the direction normal normal to
ये आपने लिखना है नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट, ठीक है, जो मैंने पहले बोला था वही मैंने अब दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। इसको आपने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना है, ठीक है। अब आपने जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपको पता है डेफिनेशन क्या है, ई डॉट डी एस, ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का ई और डी एस, इन दोनों का आपने मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इसके लिए हम दोबारा यहाँ पे ई की वैल्यू लिख लेते हैं, आपने तो चलो कॉपी में लिख ली होगी अभी, तो आप क्या करोगे 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या थी, डी एस या जो एरिया वेक्टर है दैट इज इक्वल टू डी एस मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपने इनका दोनों का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आप किसका लोगे, 1 और 2 का, ठीक है, इसके लिए क्या आ जाएगा, E dot ds that is equal to 1/4πε0 q by r square, ठीक है, साथ में ये यूनिट वेक्टर आ गया, ओके, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, ds, ठीक है। अब यहाँ पे r यूनिट वेक्टर और n यूनिट वेक्टर है, इसको आपने इकट्ठा कर देना है, बाकी आपने एज इट इज लिख देना है, 1/4πε0 q by r square, ठीक है, और साथ में क्या आएगा, ds, ठीक है, r यूनिट वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो r यूनिट वेक्टर और n यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, और दोनों की डायरेक्शन जैसे मैंने पहले बताई थी दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा, ठीक है, तो cos 0 1 होता है, इसका मतलब ये सारा का सारा फैक्टर 1 के इक्वल यहाँ पे आ गया है। दैट मीन्स आपका जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/4πε0 Q by R square ds, ओके। अब आपने इन दोनों के दोनों जो आपकी इक्वेशन ये आई है, दोनों साइड आपने क्या है, इंटीग्रेट कर देना है ओवर दी क्लोज्ड सरफेस ऑफ दी स्फीयर, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग ओवर दी क्लोज्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ओके। तो जैसे ही आप इसका इंटीग्रल लोगे तो या ये क्लोज्ड इंटीग्रल का सिंबल आपको पता है, इंटीग्रल का साइन पा के यहाँ पे ये सर्कल बना देना होता है जो रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है, तो ये आ गया, ओके। उसके बाद इसमें जो क्यू बाय 4πε0 है, दोनों बच्चों ये चीज़ें यहाँ पे बाहर निकल जाएंगी क्योंकि इंटीग्रल जो है यहाँ पे सिर्फ डी एस का होगा, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल का इंटीग्रल आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 4πr² के, ठीक है, तो यहाँ पे 4π जो है वो 4π के साथ बच्चों कट रहा है, ठीक है, साथ में ये एक फैक्टर और रह गया था 1/r² जो r स्केयर है, r स्केयर भी नीचे आएगा, ठीक है, तो ये r स्केयर के साथ r स्केयर भी यहाँ पे कट गया है, तो रह क्या गया, q/ε0 जो कि आपका बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका फार्मूला गया था E.ds, और ये किसके इक्वल आ चुका है, q/ε0 फॉर ए आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ठीक है, और बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, जो टोटल फ्लक्स होगी इनक्लोज्ड बाय द सरफेस दैट विल बी इक्वल टू उसके सरफेस के ऊपर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है, तो ये आपका चार्ज था क्यू, ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द रिक्वायर्ड गॉस थ्योरम, ओके, थैंक यू।